परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय सरपंच साहब, मेरे दादोसा, सम्माननीय गुरुजनों, गांव से पधारे हुए मेहमानों और प्यारे सहपाठियों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो हम सबको मालूम है। अब इस लोकतंत्र की राह पर चलते चलते हमारी शिक्षा व्यवस्था किस राह पर आकर खड़ी हो गई है, आज मैं उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। हमारे देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही हैं, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल। मैंने कई बार देखा है, घर पर जब मेहमान आते हैं और पूछने पर हम ये बताते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उनके चेहरे का रिएक्शन भाव एक अलग तरीके का हो जाता है, तब मुझे बड़ा दुख होता है। उन सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं, क्योंकि शिक्षा का जो स्रोत है, शिक्षा जहाँ से आती है, वो आदरणीय शिक्षक है। शिक्षा ऊंची बिल्डिंगों से, बड़े बड़े गार्डन से, अच्छी बसों में सफ़र करने से या एसी रूमों से शिक्षा नहीं आती है। शिक्षा आती है शिक्षकों से, और वहाँ पढ़ा रहे सभी शिक्षक राजस्थान सरकार या किसी भी सरकार द्वारा आयोजित शिक्षकों को चयनित करने की परीक्षा में असफल रहे हुए लोग हैं, जिनको सरकार ने शिक्षक बनाने से इनकार कर दिया है, वो सभी लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वहाँ के शिक्षक राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित शिक्षकों को चयनित करने की परीक्षा, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं, उन लाखों लोगों में से चुने हुए शिक्षक हैं, जिनको राजस्थान सरकार ने शिक्षक बनने के योग्य समझा है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ट्रेंड टीचर पढ़ा रहे हैं। मुझे गर्व है कि हम अच्छे हाथों में हैं। मेरे दादोसा आदरणीय जय सिंह जी देवल यहाँ विराजे हुए हैं, जो मुझे कभी कभी एक बात कहते हैं कि जितने भी IAS RAS या सरकार के किसी भी उच्च पद पर लगे हुए ऑफिसरों में से ज़्यादातर ऑफिसर्स सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए हैं और सरकारी विद्यालयों से ही उत्तीर्ण हुए हैं। वर्तमान में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक बिजनेसमैन, यहाँ तक कि इन विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षक भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आखिर क्या कारण है? इसका कारण है संसाधनों का अभाव। मैं आप गांव वालों से भी एक निवेदन करना चाहूंगी कि कहीं कोई गरबा हो, गणेश चतुर्थी हो, कोई आयोजन हो, कोई ऑर्केस्ट्रा हो या कहीं धरना देना हो, तो आप लोग हजारों की संख्या में पहुंच जाते हैं और हजारों की तादाद में रुपया खर्च करते हैं, लेकिन इस विद्यालय की तरफ कभी किसी ने झांक कर नहीं देखा। इस विद्यालय की ओर देखने का किसी को भी समय नहीं है। मैं आप गांव वालों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि जितना जोश आप उधर उन कार्यक्रमों में दिखाते हैं, उतना ही जोश आप इधर इन विद्यालयों के लिए दिखाएं। भविष्य में संजोगवश हम सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों में से कोई प्रधानमंत्री या और कुछ बन गया, तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि भारत की तमाम सरकारी स्कूलों को एक उच्च स्तर पर ले आए, ताकि वर्तमान भविष्य में भारत में एक ऐसा समय आए कि सभी बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। मुझे जो कहना था वो कह दिया। मैंने जो कहा वो गलत है या सही, मुझे नहीं पता। इसका निर्णय तो आप लोग ही कर सकते हैं। मेरे जो मन में था वो कह दिया, अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।